नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एस्ट्रो तक और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। अपने इस खास कार्यक्रम में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि आपके लिए ये साल पूरी तौर से कैसा रहने वाला है, किस राशि के लिए इस साल में पूरी तौर से कैसी सफलताएं मिलेंगी और कौन सा रंग आपके लिए इस वर्ष में शुभता लेकर आएगा, खुशियां लेकर आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि वालों के लिए इन टोटल कुल मिलाकर ये साल कैसा रहने वाला है। मेष राशि वालों के लिए कुल मिलाकर ये वर्ष उत्तम रहेगा। आर्थिक मामलों में और कारोबार के मामलों में काफ़ी सफलताएं मिलेंगी। विवाह और परिवार की तमाम समस्याएं भी आपकी हल होंगी, लेकिन क्रोध पर और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, ये मामला ज़रा बिगड़ सकता है। और जिस रंग से साल भर शुभता आएगी वो आपका शुभ रंग होगा लाल। वृष राशि, कुल मिलाकर साल आपके लिए मध्यम है। आर्थिक मामलों में, संपत्ति के मामलों में आपको तमाम सफलताएं तो मिलेंगी, तमाम रुके हुए काम भी आपके पूरे होंगे, धन भी आएगा, यात्राएं भी होंगी, लेकिन सेहत के मामले में दिक्कतें दिखाई दे रही हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, हड्डियों में कोई समस्या ना हो और किसी तरह की दुर्घटना की संभावनाएं ना बने। जिस रंग का इस्तेमाल करके ये साल आपके लिए बेहतर होगा वो शुभ रंग होगा सफेद। मिथुन राशि, जीवन में तमाम परिवर्तनों का आपको इस साल में सामना करना पड़ेगा। करियर में बदलाव तो होगा, लेकिन बदलाव के साथ आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। संतान की प्राप्ति भी इस साल हो सकती है और अगर कोई प्रेम संबंध का मामला है तो उसमें भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपको इस साल निर्णयों में, अपने डिसीजंस में सावधानी रखनी होगी, अपने निर्णयों में गलती मत कीजिएगा। जो रंग आपके लिए इस साल शुभता लेकर आएगा, इस साल जिस रंग का आपको इस्तेमाल करना है वो शुभ रंग होगा हरा। कर्क राशि, करियर और धन के मामलों में आपको बड़ी सफलताएं मिलेंगी। संपत्ति और वाहन का सुख भी आपको मिलता दिख रहा है और हो सकता है कि विदेश यात्रा की संभावना भी बने, लेकिन रिश्तों के मामले का ध्यान देना होगा। जहां नए रिश्ते जुड़ने की बात है या पुराने रिश्ते चलने की बात है ना, वहां पे थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत ध्यान रखेंगे। जिस रंग का इस वर्ष आप इस्तेमाल करेंगे वो शुभ रंग आपके लिए होगा सफेद। सिंह राशि, शुरुआत में करियर में थोड़ी सी मुश्किलें इस साल के शुरू में आपके लिए दिखाई दे रही हैं, लेकिन धीरे धीरे आपके करियर में, आपके स्वास्थ्य में और आपकी आर्थिक दशाओं में तकरीबन मार्च के बाद से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता हुआ दिख रहा है। संतान पक्ष से आपको काफ़ी सहयोग मिलेगा, तालमेल आपका धीरे धीरे अपनी संतान के साथ बेहतर होता चला जाएगा। वर्ष के अंत में धन के मामलों में और करियर के मामलों में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी। जिस रंग का पूरे वर्ष आप इस्तेमाल करके लाभ उठाएंगे वो शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। कन्या राशि, आर्थिक दशाओं में और नौकरी के मामलों में थोड़ा उतार चढ़ाव इस साल में दिखाई दे रहा है, लेकिन दाम्पत्य जीवन, मैरिटल लाइफ और संतान पक्ष आपका बेहतर बना रहेगा। धन संबंधी समस्या, करियर संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है, इस बात का ध्यान रखिए। अपनी पुरानी बीमारियों को लेकर और अपने पुराने कर्जों को लेकर आपको सतर्क रहना है, जिसकी वजह से आप दिक्कत में आ सकते हैं। जिस रंग का पूरे वर्ष इस्तेमाल करके आपको फायदा होगा वो शुभ रंग होगा आपके लिए धन। तुला राशि, विवाह और प्रेम के लिए साल बेहद अच्छा है। अगर अभी तक अविवाहित हैं तो आपकी शादी इस साल होने की संभावना प्रबल है। नया कारोबार शुरू हो सकता है और संतान सुख की प्राप्ति भी होती हुई दिखाई दे रही है। पैसे तो बहुत आएंगे, लेकिन आपको खर्चों पर लगाम लगानी होगी, क्योंकि खर्चे आपको काफ़ी परेशान कर सकते हैं। खर्चों के मामले में लापरवाही ना करें। वर्ष के अंत में पारिवारिक समस्याओं का भी आपको ध्यान बनाना होगा। आपके लिए इस साल का शुभ रंग होगा वाइट, यानी कि सफेद। वृश्चिक राशि, साल की शुरुआत में ही करियर में बदलाव की संभावनाएं हैं। हो सकता है साल शुरू हो और करियर आपका बदल जाए। किसी भी तरह का बड़ा निर्णय अगर आप लेने के मूड में हैं तो सोच समझ कर लीजिएगा, उसमें जल्दबाजी मत कीजिएगा। जीवन में कुछ अलग और कुछ नया करने का हो सकता है आप प्रयास करें, इसकी संभावना भी बन गई है। इस वर्ष जीवन में स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा 2018 में, और वाहन दुर्घटना ना हो, चोट चपेट ना हो, इसका भी ध्यान रखना होगा। आपके लिए इस साल का जो शुभ रंग होगा वो रंग होगा लाल। धनुराशि,
करियर में परिवर्तन भी दिख रहा है और सफलताएं भी दिख रही हैं आपके लिए। आर्थिक रूप से आप मजबूत दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है कि संतान प्राप्ति के योग भी प्रबल रूप से बने। लेकिन काम का दबाव इस साल में बहुत रहेगा और वर्क प्रेशर की वजह से थोड़ी परेशानियां आपको हो सकती हैं। परिवार से कुछ समय तक शायद आप दूर रहें, अपने करियर को लेकर, नौकरी को लेकर के इस साल ये संभावना भी बनती है। जो इस साल का शुभ रंग होगा आपके लिए वो होगा पीला। मकर राशि, तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। 7:30 हालांकि आपकी चल रही है, लेकिन आपको बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। धन और संपत्ति के मामले आपके खूब खूब अच्छे रहने वाले हैं और करियर में मनचाहा पद और प्रतिष्ठा मिलने की संभावना भी बनती है। स्थान परिवर्तन के मजबूत योग भी आपकी किस्मत में दिखाई दे रहे हैं। इस वर्ष का जो शुभ रंग होगा आपके लिए वो रंग होगा टर्कवाइज यानी कि फिरोजी। कुंभ राशि, करियर के मामले में और नाम यश के मामले में ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर में सम्मान और उपलब्धियां दोनों मिलती हुई दिखाई देंगी। मकान और संपत्ति के मामले भी आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। हो सकता है कोई नया मकान बनवाएं, कोई नई संपत्ति खरीदें, इसकी संभावना भी बन सकती है। आध्यात्मिक उपलब्धियां तो आपको मिलेंगी, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम का, पाचन तंत्र का आपको बहुत ध्यान रखना है। आपके लिए इस साल जो रंग शुभता प्रोवाइड करेगा वो रंग होगा ब्लू यानी कि नीला। और अंतिम राशि मीन राशि वालों को बता दूं कि आने वाले साल में 2018 में आपकी सेहत में मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन आर्थिक पक्ष चूंकि बहुत अच्छा रहेगा, पैसे का मामला बहुत अच्छा रहेगा, इसलिए समस्याएं दूर हो जाएंगी। साल की शुरुआत में ही करियर में बड़े बदलाव की संभावना बन रही है, तैयार हो जाइए, ये परिवर्तन आपके लिए बेहतर है। वाणी और क्रोध पर इस साल आप नियंत्रण रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और पूरे साल जिस शुभ रंग का इस्तेमाल करेंगे वो शुभ रंग होगा आपके लिए गोल्डन यानी कि सुनहरा। तो एस्ट्रो तक में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।